हे एवरीवन, दिस इज़ मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायर लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। हमारा टॉपिक का नाम है एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी। गाइस, एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी ये जो टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ में आप अपना कमेंट जरूर दे के जाएं कि आपको वीडियो लगती कैसी है, क्योंकि बहुत लोग जो है वो वीडियो को व्यूज़ दे देते हैं, सब्सक्राइब भी कर जाते हैं, बट जो है कमेंट करके फीडबैक नहीं देते कि उनको कितना बेनिफिट मिला और कितना नहीं। साथ में अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम भी जुड़ सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो हमारा टॉपिक है एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी। तो एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी के बारे में जानने से पहले हमको सेंटीमेंटल कॉमेडी पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का विपरीत जानने से पहले वो किस चीज का विपरीत है हमको वो जानना पड़ेगा। तो एंटी का मतलब होता है किसी भी चीज का विरोधी, यानी किसी भी चीज का विरोधी होना। तो हमारा जो टॉपिक है एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी, तो सबसे पहले सेंटीमेंटल कॉमेडी क्या होता है वो आपके सामने जो है वो गिवन है। सेंटीमेंटल कॉमेडी दिस फॉर्म्स बिकम्स पॉपुलर इन 18th सेंचुरी। सेंटीमेंटल कॉमेडी इज रिलेटेड टू अवर इमोशंस, इट अपील्स स्पेशली टू अवर फीलिंग ऑफ सोरो, पिटी एंड कंपैशनेट सिंपति। तो सबसे पहले क्या बोला है, ये जो फॉर्म है, यानी कि इसको बोल, फॉर्म का मतलब क्या होता है, रूप। ये जो इस रूप की जो मतलब कॉमेडी है, ये सबसे पहले पॉपुलर कब हुई, प्रसिद्ध कब हुई है, 18th सेंचुरी में प्रसिद्ध हुई है। और सेंटीमेंटल कॉमेडी, सेंटीमेंटल को हम हिंदी में बोलते हैं भावुक, ठीक है, ये भावुक कॉमेडी है। तो भावुक कॉमेडी जो है वो किसको रिलेट करती है, हमारे भावना को, इमोशंस को, है ना। इट अपील्स स्पेशली टू आवर फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स को ये ज़्यादातर रिलेट कर पाती है विशेष रूप से। और सोरो, सोरो का मतलब क्या होता है, दुख, दया एंड दयालु, ठीक है। सिंपति, सिंपति का मतलब होता है सहानुभूति। उसके बाद है इट रिफ्लेक्टेड कंटेम्पररी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एज इनहेरेंट गुड बट कैपेबल ऑफ बीइंग लेड एस्ट्रे थ्रू बैड एग्जांपल फुल स्टॉप बाय एन अपील टू हिज नोबल टू हिज सेंटीमेंट्स अ मैन कुड बी रिफॉर्म एंड सेट बैक ऑन द पाथ ऑफ वर्च्यू। सबसे पहले वर्च्यू का मतलब होता है पुण्य, यानी कि पुण्य के पाथ पे वो दोबारा से आ सकता है। तो ये सब किस चीज़ को आकर्षित करता है, दुख को, दया को और दयालुता को, सहानुभूति को, हमारी भावनाओं को आकर्षित करता है। इसने मनुष्य की समकालीन दार्शनिक धारणाओं को प्रतिबिंब किया है कि वह अंतर्निहित अच्छा है लेकिन बुरे उदाहरणों के माध्यम से गुमराह होने में सक्षम है। अपनी नेक भावनाओं की अपील करके एक व्यक्ति को सुधारा जा सकता है और उसे पुण्य मार्ग पे, यानी कि पाथ ऑफ वर्च्यू पे जो है वापस लाया जा सकता है। अब अगला है रिचर्ड स्टील वॉज पिनियर ऑफ सेंटीमेंटल। पिनियर का मतलब होता है, क्या होता है पिनियर का मतलब, कि वो एक तरीके का आइडल है किसका, सेंटीमेंटल कॉमेडी का, एंड द बेस्ट नॉन सेंटीमेंटल कॉमेडीज। और उनकी जो बेस्ट, मतलब जो बोलते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी जो उन्होंने एंटी सेंटीमेंटल में लिखी है वो है द कॉन्सियस लव। इन कॉन्ट्रेस्ट एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी ऑफ रिटर्न्स टू कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और इनका जो है वो क्या है, रिटर्न्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है, पहले मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। तो अब हमने सेंटीमेंटल समझ लिया, सेंटीमेंटल में क्या क्या होता है, दया, दयालुता, है ना, और सिंपथीज होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है इमोशंस के ऊपर, यानी कि भावना के ऊपर जो है वो भावुक चीज़ें होती हैं। अब यही जो है हम एंटी सेंटीमेंटल पढ़ते हैं। एंटी सेंटीमेंटल मतलब सेंटीमेंटल का विरुद्ध, यानी कि विपरीत। एंड एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी इज ऑल्सो कोल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर व्हेन सेंटीमेंटल कॉमेडी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग दैट टाइम एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी वॉज क्रिएटेड बाय ओलिवियर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड शेरिडन। फुल स्टॉप, इट इज एन आर्टिफिशियल कॉमेडी अरोज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी एंड द ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस पीरियड रोट प्लेज अकॉर्डिंग टू मिडिल क्लास फैमिली एंड देयर इंटरेस्ट। तो क्या बोला है कि जो एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी को हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जब सेंटीमेंटल कॉमेडी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया उस टाइम क्या क्रिएट हुआ, एंटी सेंटीमेंटल, ठीक है। जब सेंटीमेंटल कॉमेडी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया तब एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी क्रिएट किया गया। वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया, ओलिवियर गोल्डस्मिथ के द्वारा और रिचर्ड शेरिडन के द्वारा। ये जो एक आर्टिफिशियल कॉमेडी है जो कि 18th सेंचुरी में ये भी प्रचलित हुई थी। एंड द ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस पीरियड रोट प्लेज अकॉर्डिंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो मिडिल क्लास फैमिली के जैसा, मतलब अनुसार, उसको मद्देनजर रखते हुए जो मध्यकालीन वर्ग के लोग हैं उनके इंटरेस्ट के तौर पर जो है इसको लिखा जाता था। Now the next page, it is a kind of comedy representing complex and sophisticated code of behavior current in fashionable circle of society where appearance count for more than true moral character. तो यहाँ पे क्या होता था, दिखावा ज़्यादा चलता था इस वाले कॉमेडी में जो है वो, जो रियल में इंसान होता था उसके कंपेरिजन दिखावटी चीज़ों को ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया जाता था। इट्स प्लॉट यूजुअली रिवॉल्व अराउंड इंट्रिग्यूज ऑफ लस्ट एंड ग्रीड। काफ़ी लालची लोग इस काल में, इस मतलब कॉमेडीज में होते थे। द सेल्फ इंटरेस्टेड साइनिज
criticism of the characters being marked by decorous preteens. Olivier Goldsmith, She Stoops to Counter, and Richard Brinkley Sheridan, the reviles and School for Scandal are from anti-sentimental comedy. तो इसकी जो प्रमुख कॉमेडीज है वो है गोल्डस्मिथ की जो थी वो है शी स्टूप टू काउंटर एंड इनकी जो है रिचर्ड ब्रिंगले शेरिडन की वो है द रिवल्स स्कूल फॉर स्केल्टन. ठीक है, ये इसके बारे में लिखा है एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी पे क्या क्या वर्क किया है गोल्डस्मिथ ने और उसने, क्योंकि ये जो गोल्डस्मिथ एंटी सेंटीमेंटल के जो प्रेरणादायक लोग थे वो ये दो थे जिनकी वजह से एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी को जो है वो प्रमुखता मिल रही थी. अब हम बात करते हैं विशेषताओं की, यानी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी. तो सबसे पहले एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी इज अ रिएक्शन अगेंस्ट सेंटीमेंटल कॉमेडी. तो ये ऐसा रिएक्शन था जो किसके विपरीत था, सेंटीमेंटल कॉमेडी के विपरीत था. द प्योनर मतलब प्रेरणा वही ऑफ एंटी सेंटीमेंटल, यहाँ पे एंट लिख गया है, यहाँ पे आपको आई बनाना है. ठीक है, द पिन्योर ऑफ एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी इज ओलिवियर. तो ये कौन थे, ओलिवियर गोल्डस्मिथ, हु क्रिटिसाइज्ड द सेंटीमेंटल कॉमेडी इन हिज एसे ऑन द थिएटर और अ कंपैरिजन बिटवीन लाफिंग एंड सेंटीमेंटल कॉमेडी. कंपैरिजन किया गया था लाफिंग और हंसने के ऊपर और सेंटीमेंटल कॉमेडी के ऊपर, जो है वो एक तरीके का उन्होंने एक कंपैरिजन किया था. एंड ओलिवियर गोल्डस्मिथ राइट्स दैट द ट्रू फंक्शन ऑफ अ कॉमेडी वाज टू गिव ह्यूमरस एग्जीबिशन ऑफ द फॉलीज एंड वाइसेस ऑफ मैन एंड वुमेन एंड टू रेस्टिफाई देम बाय एक्साइटिंग लाफ्टर. गोल्डस्मिथ अपोज्ड sentimental comedy because in place of laughter and humor it provided tears and distressing situation. pathetic lover ka matlab kya hota hai, dayaniya premi. theek hai, or serious heroines एंड ऑनेस्ट सर्वेंट. अब देखो क्या बोला है, ये बहुत ज़्यादा मजाक इसलिए उड़ाया करते थे, इनका कहना होता था कॉमेडी का मतलब ही होता है लाफिंग हंसना, लेकिन ये जो हमारा सेंटीमेंटल कॉमेडी है वो कहाँ से हंसी दे रहा है, वो तो हमको भावुक कर रहा है, हमारे को अपने भावना के अंदर लेके जा रहा है, तो जो चीज़ हमको हंसा नहीं पा रही है वो कॉमेडी कैसी. ठीक है, अब ये पैथेटिक लवर जिसमें लवर भी दयनीय दया रूप से देखा जा रहा है, हीरोइंस भी बिल्कुल सीरियस हैं, सर्वेंट्स भी बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो उस कॉमेडी को शायद चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए जो है वो एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी जो है वो सेंटीमेंटल कॉमेडी से विपरीत हुआ था, क्योंकि उनका कहना था एंटी सेंटीमेंटल का जिसमें गोल्डस्मिथ ओलिवियर गोल्डस्मिथ थे, उनका कहना था कि भाई कॉमेडी वो होती है जो हम लोगों को हंसा सके, ना कि हमारे को आंसू दे, ना कि हमको यहाँ पे लिखा है ना इट प्रोवाइडेड टीयर्स एंड और स्ट्रेस वगैरह हमको उस सिचुएशंस में डालता है. सेंटीमेंटल एंड एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी रिटर्न बाय गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन. तो एक बार क्या होता है, एंटी सेंटीमेंटल और कॉमेडी दोनों को जो है वो मिक्स कंबाइन करके जो है वो लिखा जाता है, किसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा. द सेंटीमेंटल कॉमेडी इज 18th century was in fact a reaction against the comedy of manner. तो इसके against होता है sentimental comedy, a kind of comedy that achieved some popularity with respectable middle class audience in 18th century. अब देखो जो चीज़ें भावनात्मक होती है इसका मतलब कुछ कुछ चीज़ें, देखो आपको किसी भी चीज़ पर दया तुरंत नहीं आ जाती है, जब हम कोई सिचुएशन से बीते होते हैं जैसे कि कोई गरीबी देखता है उसके बाद जब हम गरीबी के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं तो वो अपने आप को उससे जो है वो कंपेयर कर पाता है, अपने आप को उससे फील कर पाता है, रिलेट कर पाता है. तो जो सेंटीमेंटल कॉमेडी को बढ़ावा देने वाले लोग कौन थे, मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि भावना में सबसे ज़्यादा लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली जो है वो घुल मिल जाता है, तो उस वजह से जो है सेंटीमेंटल कॉमेडी को जो है बहुत ज़्यादा प्रमुखता कभी कभी जो है वो मिडिल क्लास ऑडियंस द्वारा जो है 18th सेंचुरी में मिल जाया करता था. अब क्या है, एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी इज रिएक्शन अगेंस्ट सेंटीमेंटल कॉमेडी, तो ये एक दूसरे से विपरीत है, इनका रिएक्शन ये पहले भी था. जनरली द एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी डील्स विद द एंड इट इज ऑलवेज फोकस ऑन मेजर कैरेक्टर एज लवर. तो ये जो एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी है वो ज्यादातर किसके ऊपर फोकस करती थी, लवर के ऊपर, प्रेमी के ऊपर. एंड इट इज आर डिवाइडेड इनटू सब प्लॉट लाइक द ड्रामेटिक वेज. तो ये बहुत चीजों को जो है डिवाइड कर करके करती थी, कुछ जो है वो सेंटीमेंटल से भी लेती थी और कुछ जो है वो एंटी सेंटीमेंटल से भी लिया करती थी. सो क्योंकि वो चाहते थे कि मध्यकालीन वर्ग के लोग जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो भी हमारे साथ रिलेट कर पाए, इसलिए वो कुछ कुछ चीजें जो है सेंटीमेंटल कॉमेडीज के भी लेते थे, हालांकि वो उससे विरुद्ध थे, लेकिन वो अपना कॉमेडी का यानी कि
कॉमेडी का कुछ तड़का बोलते ना मार के, वो उनको ऑडियंस को जो है वो दोनों तरफ से रिलेट करवाते थे. तो वो डिवीजन करते थे एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी का और सेंटीमेंटल कॉमेडी का. सो लेट्स डिस्कस द एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक. सो हेयर इट इज द एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी. तो यहाँ पे हम सेंटीमेंटल कॉमेडी तो पढ़ नहीं रहे हैं, जो हम सेंटीमेंटल कॉमेडी का ड्रामा को डिस्कस करें या कॉमेडी को डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पे हमारा एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी को हम पढ़ रहे हैं. इसलिए सेंटीमेंटल का हमने बहुत कम उदाहरण दिया, क्योंकि हमको जानना जरूरी था कि सेंटीमेंटल होता क्या है, जिससे हम एंटी सेंटीमेंटल पढ़े, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एंटी सेंटीमेंटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो यहां पे दो चीजें जो वहां की उनके उनके द्वारा लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, शी स्टूप्स टू कॉन्टर एंड द रिवाइज बाय शेरिडन. तो ये जो है ये हमारा लिखा किसने है, ओलिवियर गोल्डस्मिथ ने, और ये हमारा लिखा है शेरिडन ने. तो चलिए अब सबसे वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करते हैं. She stooped to counter. This wonderful comedy by genius playwright Olivia Goldsmith in its time heralding the era of laughing comedies and being contemporary to other plays. The story revolves around the family of Hardcastle and their families. Goldsmith bring out the comic effect in depicting this character, their foibles and themes, and which land them in more troubles in the very beginning of play in the first scene speech by Mr. Hardcastle. इसको खट्टे में समझा दूंगी, पहले इसको रीडिंग कर लेते हैं. I love everything that is old and old friends, old time, old manners, old books, old wine, and I believe Dorothy, you will on I have been pretty fond of an old wife. तो ये जो हमारा कॉमेडी, ये जो हमारा कॉमेडी जो किन्होंने लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि जीनियस प्ले राइट ने लिखा है, ओलिवियर गोल्डस्मिथ ने लिखा है, ठीक है, ये वाला जो कॉमेडी है. तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, वो हार्डकैसल, मिस्टर हार्डकैसल के फैमिली और उनके दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है. गोल्डस्मिथ इस चरित्र, उनकी कमजोरियों और योजनाओं को चित्रित करने के हास्य प्रभाव लाते हैं, ठीक है. वो जो कॉमेडी है इसमें ज्यादातर जो है वो हंसी लाने की कोशिश करते हैं, और जो उन्हें और अधिक परेशानियों में कभी कभी डाल देता है. तो नाटक की जब शुरुआत होती है, ये जो स्टोरी की शुरुआत होती है, उसमें मिस्टर हैडल जो है वो अपने, हार्डकैसल जो है वो अपने स्पीच में बोलते हैं, अपने वर्ड में बोलते हैं कि आई लव एवरीथिंग विद दिस डैट इज ओल्ड. जो चीज़ें ओल्ड हैं, पुरानी हैं, मुझे वो बहुत पसंद है. जैसे कि मुझे पुराने दोस्त बहुत पसंद है, पुराने समय बहुत पसंद है, पुराने तौर तरीके, पुराने किताबें, पुरानी शराब, और मुझे विश्वास है डोरोथी तुम अपनाओगे कि मैं एक पुरानी पत्नी को का भी बहुत बड़ा शौकीन हूँ, यानी कि उसको ओल्ड वाइफ भी चाहिए. वो पुरानी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौकीन है. नाउ आगे पढ़ते हैं. दो नॉट रिटन बाय गोल्डस्मिथ, द प्लेज प्रोलोजी इज यूजफुल इन द वे इट प्रोवाइड्स इनसाइट इन टू गोल्डस्मिथ पर्पज इन द प्ले. ऑब्वियसली द मोस्ट एक्सप्लिसिट पर्पज इज टू मेक द ऑडियंस लाव. द स्पीकर मिस्टर वुडवार्ड, हु वुड हैव बीन पोर्ट्रेड बाय अ डिफरेंट एक्टर, कम्स आउट इन द मॉर्निंग ऑलरेडी हैविंग बीन क्राइंग, विच इन अ वे पोजेज अ चैलेंज टू द प्ले फुल स्टॉप. इफ वी एज actor and audience are in a state of sadness, can the play lift our spirits? However, most relevant is the state of affair sculpted here. Now uska meaning samjhenge. तो यहाँ लिखा गया है, हालांकि यह गोल्डस्मिथ द्वारा नहीं लिखा गया, ये जो नाटक है, जो मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें है, वो गोल्डस्मिथ द्वारा नहीं लिखा गया है. नाटक की प्रस्तावना इस तरह से उपयोगी है कि यह नाटक में गोल्डस्मिथ के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान करेगी. अब देखो गोल्डस्मिथ किस तरीके के इंसान है, अब जब नाटक गोल्डस्मिथ ने लिखा है तो उनकी जानकारी को जो है ये नाटक में प्रदान किया ही जाएगा. जाहिर है सबसे स्पष्ट उद्देश्य दर्शकों को हंसाना है, तो उनका जो मेन पर्पज है टू लाफ द कौन, ऑडियंस को हसाना, यू नो. अब वक्ता का मतलब क्या होता है, जो स्पीकर है, जो ऑथर है, मिस्टर वुडवर्ड, जिन्हें एक अलग अभिनेता द्वारा चित्रित किया गया होगा, शोक में बाहर आते हैं. शोक का मतलब क्या होता है, शॉक्ड माइंड में कोई भी चीज़ होती है तो बाहर आते हुए, और पहले से ही वो रो रहे हैं, तो एक तरह से नाटक के लिए एक चुनौती है. यदि हम अभिनेता और दर्शक के रूप में उदासी की स्थिति में हैं, तो क्या नाटक हमारा उत्साह बढ़ा सकता है? हालांकि सबसे अधिक प्रसंगित यह चित्रित मामलों की स्थिति है. तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगर कोई भी करेक्टर, अगर हम कोई कॉमेडी देख रहे हैं और उस कॉमेडी में कोई रोता है, तो पहली बात तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हमारे ऑडियंस जो है क्या वो उसको रोते देख हंस पाएंगे. तो ये बात कहाँ की है, ये बात है सेंटीमेंटल कॉमेडी की, क्योंकि सेंटीमेंटल कॉमेडी हमें हमेशा सेंटी करता है, यानी कि हमारी भावना को जो है वो भावुकता को उत्पन्न कर देता है, ठीक है. अब आगे हैं, द प्रोलॉजी मिरर्स द ट्रेंड इन थिएटर डैट राइटर लाइक गोल्डस्मिथ वॉज डिस सेपरेटली ट्राइंग टू चेंज एट द टाइम ऑफ शी स्टूप्स टू काउंटर. Popular theatre comedy was separated into what was commonly termed sentimental comedy and laughing comedy.
The former was concerned with bourgeois middle class morality and with dated back to the Greek and Roman and through Shakespeare was more willing to engage in low humor for the sake of mocking vice. तो इस वाले पैराग्राफ में ये बोला गया है कि इसमें क्या होता है, पहले जो है वो भावुकता वाली कॉमेडी को यानी कि सेंटिमेंटल कॉमेडी के कुछ हिस्सों को दिखाने के बाद जो है वो ऑडियंस को इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पहले जो हमारे ऑडियंस हैं, हमारे जो दर्शक हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं वो जो है वो इसको पसंद करें, लेकिन हम फिर इसके बाद जो चीज़ें करने वाले हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा जो है वो हास्य तरीकों में, हास्य नाटकों में कन्वर्ट करेंगे। तो गोल्डस्मिथ की हमेशा कोशिश रहती थी कि सेंटिमेंटल कॉमेडी को किस तरह से यूज़ करने के बाद हम उसको एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी में जो है वो चेंज करें, यानी कि दर्शक अब भावुक हो गए हैं, अब दर्शक का काम क्या है, उनको अब हंसाना, तो उनका काम है दर्शकों को हंसाना, तो वो भावुकता से जो है वो मिडिल क्लास फैमिली जो रिलेट कर रही है, उनको पॉपुलर कर रही है उस सेंटिमेंटल कॉमेडी को, तो उससे वो भी खुश रहेंगे और जब उनको उनके फेस पे स्माइल आएगी तो सेंटिमेंटल कॉमेडी का विपरीत एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का भी जो एक ठोस कदम है यानी कि उसका भी जो रोल है वो भी पूर्ण तरीके से पूर्ण होगा, तो गोल्डस्मिथ का एक अचीवमेंट होगा। नाउ वुडवार्ड सजेस्ट दैट अ सर्टेन क्लास ऑफ एक्टर एंड बाय एक्सटेंशन देन ऑडियंस एंड राइटर वर डाइंग आउट अ सेंटिमेंटल कॉमेडी बिकम मोर पॉपुलर, सो गोल्डस्मिथ प्ले हैज एन एक्स्ट्रा पर्पज, इट मस्ट रिविजनेट द जॉय टेकन इन लाफिंग कॉमेडी विच कुड बी विलिंग टू बी मोर स्टूपिड टू ड्रामेटाइज बेस कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टू मोक इवन द कैरेक्टर्स हु प्रोसेस टू बी मोरल, इट्स वर्थ रिव्यू doing the about an essay on the next page. Theater section of this classic note that explain in more detail the context of the theater, the time, since it will provide an even more in-depth understanding of the purpose suggested in his prology, but even without such extensive historical research the prology brings the audience in with a particular question, can this play remind us that true comedy which is willing to be silly and unpretentious is the most entertaining to all, though in this play Goldsmith presented image through the character, love is central theme but for money also, there are amusing intrigues and plan in the play, it is also satirical one. तो अब इसका मतलब है कि वुडवर्ड का सुझाव है कि अभिनेता का एक निश्चित वर्ग जैसे कि ब्रैकेट में लिखा है और विस्तार से दर्शक और लेखक, जिसमें दर्शक हो लेखक हो, मर रहे थे क्योंकि भावुक कॉमेडी अधिक लोकप्रिय हो गई थी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जब किसी कॉमेडी को ज़्यादा रिलेट करेंगे तो ऑब्वियस बात है आम आदमी जो है वो जल्दी उस चीज़ को जो है पॉपुलर कर सकती है। तो गोल्डस्मिथ के नाटक का एक अतिरिक्त उद्देश्य है इसे हंसाने वाली कॉमेडी में, मतलब उसको कन्वर्ट करना, हंसाने वाली कॉमेडी को भी जीवित रखना जो कि मैंने पहले वाले पैराग्राफ में बताया, और इस वाले कॉमेडी से दर्शक को आकर्षित करना जो अधिक मूर्खतापूर्ण होने के लिए तैयार भी हो सकता था इससे ऐसा खिचड़ी बन जाए जो कि मतलब एग्जिस्ट ही ना कर पाए। आधार पात्रों और विशेषताओं को नाटकीय बना, क्योंकि देखो सडनली कोई इंसान सैड है और उसको सडनली उस चीज़ को कॉमेडी में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आधार पात्रों और विशेषताओं को नाटकीय बना सकता है और उन पात्रों का भी मजाक उड़ा सकता है जो नैतिक होने का दावा करते हैं। अब जो पार्ट रो रहा है, जो पार्ट जो है वो अतिरिक्त दुख में है और अचानक ही वो पार्ट उछल कूद करने लग जाए, कॉमेडी करने लग जाए, तो शायद वो उन पात्रों का भी जो रेपुटेशन है उसको गिरा सकता है। तो गोल्डस्मिथ ने अपनी तरफ से ये पूरा रिस्क लेने की कोशिश की और सेंटिमेंटल और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का जो है वो डिवीजन करके दोनों तरफ का पार्ट लेने की पूरी कोशिश करते हैं वो इस वाले नाटक में। हालांकि इस नाटक में गोल्डस्मिथ ने चरित्र के माध्यम से छवि प्रस्तुत की है, प्यार केंद्रीय है लेकिन पैसे के लिए भी। नाटक में मनोरंजक षड्यंत्र और योजनाएं तो है ही, यह व्यंग्यात्मक भी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये जो इनका शी स्टूप्स टू काउंटर था वो इस तरीके से स्टोरी थी जिसमें गोल्डस्मिथ ने पूरे तरीके से जो है वो दोनों को मिलाने की, सेंटिमेंटल और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी को मिलाने की पूर्ण प्रयास किया है। नाउ हम चलते हैं, ये भी है एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी ही, बट ये लिखा किसने है, द रिवाइज बाय शेरिडन ने, ये शेरिडन ने लिखा है द, ये भी जो है वो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी के एक प्रेरणात्मक व्यक्ति हैं। द प्ले इज सेट इन बाथ Somerset, England, in the mid-century and revolved around two rich young lovers, ठीक है, Lydia and Jack, who reads a lot of popular novels of the time, wants a purely romantic love affair. Lydia is enthralled with the idea of eloping with poor soldier in spite of
हर गार्डियन मिस मालाप्रोप इज द चीफ कॉमिक फिगर ऑफ द प्ले. नाउ नेक्स्ट पेज. In the end of the play, Jack is presented to Lydia by Mrs. Malabar as a son, Sir Antonomy, and her and heir to his wealth. Here he secretly assumes Lydia that he is only masquerading as Sir Antonomy's son so that he may marry her after he meet up with Lucius and gets in a quarrel with him, and they agree to meet Beverly at the end. All the secrets are found out at the duel. Because Mrs. Malaprop rushes to the duel in fear for their lover, leaves trying to stop it before it starts. Lucius discovered that Mrs. Malaprop has been disguising herself as Delia, and both infuriated and embarrassed and leaves. Lydia admits her love for Jack, and Julia makes up with lover Flackland. In the end, Akers invites everyone to a party and they go to celebrate. तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताया कि द रिवाइज बाय शेरिडन जो है वो उसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब है शेरिडन द्वारा प्रतिद्वंदी. ठीक है, इससे पहले जो हमारा था शी स्टूप्स टू काउंटर है ना, इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है वह जीतने के लिए झुकती है. ठीक है, कि अपने आप में विजय प्राप्त करने के लिए वो झुकती है. ये मतलब प्ले का जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं हिंदी में इसका मतलब है. ठीक है, अब इस प्ले के बारे में समझते हैं, इस नाटक के बारे में समझते हैं. अब इस कॉमेडी में क्या होता है, यह नाटक सदी के मध्य में बाथ समरसेट इंग्लैंड में स्थापित किया गया है. ठीक है, इंग्लैंड की कहानी है. इंग्लैंड का मतलब ये नाटक है, जिसमें दो युवा प्रेमी होती है. एक होता है लीडिया और एक होता है जैक. इन दोनों के इर्द गिर्द में ये जो है वो कॉमेडी जो प्यार है प्रेमियों के बीच में घूमता है, जो उस समय के बहुत सारे लोकप्रिय उपन्यास पढ़ते हैं. एक विशुद्ध रोमांटिक प्रेम संबंध चाहते हैं, तो ये दोनों चाहते हैं कि इनके बीच का जो प्रेम है वो बहुत अच्छा रोमांटिक बना रहे. लीडिया अपने अभिभावक के बावजूद, तो देखो लीडिया जो है बहुत अमीर रिच होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्यार किससे करती है, एक गरीब सैनिक के साथ वो भागने के लिए रेडी होती है. श्रीमती मालाप्रोप नाटक की प्रमुख जो है वो हास्य की क्या है, पात्र है, द फिगर ऑफ द प्ले. कौन? मिसेस मालाप्रोप. अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे क्या है, नाटक के अंत में जैक को श्रीमती मालाप्रोप द्वारा लीडिया के सामने सर एंटनी के बेटे और उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ वह गुप्त रूप से लीडिया को आश्वासन देता है कि वह केवल सर एंटनी के बेटे के रूप में दिखावा कर रहा है ताकि वह मिलने के बाद उससे शादी कर सके. लूसियस के साथ झगड़ा हो जाता है और वे बेवरली से मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं. अंत में द्वंद्व युद्ध में सभी रहस्यों का पता चल जाता है, क्योंकि श्रीमती मालाप्रोप अपने प्रेमियों के जीवन के डर से द्वंद्व युद्ध से भाग लेती है. ठीक है, और इसे शुरू होने से पहले रोकने की कोशिश करने लग जाती है. लूसियस को पता चलता है कि श्रीमती मालाप्रोप खुद को डेलिया के रूप में छिपा रही है और दोनों क्रोधित और शर्मिंदा हैं और चले जाते हैं. ठीक है, ये सब सोचने के बाद लीडिया जैक के प्रति अपने प्यार को स्वीकार कर लेती है और जूलिया अपने प्रेमी फोकलैंड के साथ समझौता कर लेती है. अंत में एकर्स सभी को एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं और वो सभी वहाँ साथ में जश्न मनाते हैं. दे ऑल आर गो टू सेलिब्रेट देयर. ठीक है, वहाँ पे जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं. तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो हमारा पूरा टॉपिक था, इसमें ये जो हमारा ये वाला जो स्टोरी है जो शेरिडन ने लिखा है उसमें जो है वो एक प्रेमी की कहानी है, दो प्रेमी की कहानी है, जिसमें वो अमीर होने के बाद भी लीडिया जो है वो गरीब व्यक्ति से प्यार करती है. बट एट द एंड में कोशिश बहुत होती है मतलब मिसकन्फ्यूजन करने की, लेकिन एट द एंड में वो मिल जाते हैं. लास्ट में जो है वो कौन, लीडिया एडमिट्स कर लेती है कि वो जैक के साथ प्यार करती है और जूलिया जो है वो किसके साथ, फ्लैकलैंड के साथ. और लास्ट में जो है एट द एंड में एकर्स जो है वो इनवाइट करता है पार्टी के लिए सेलिब्रेट करने के लिए. इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है, इसी के साथ हमारा एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है वो समाप्त होता है, वीडियो कंप्लीट होती है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई टेलीग्राम, बिकॉज यू नो इसका लिंक जो प्रोवाइड करना है, ये जो हमारा
सॉरी पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको पूरा नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे आप मुझको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तो वहाँ पे जितने भी पीडीएफ आते जाएंगे आप उसको नोट कर सकते हैं। और साथ में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बोथ लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी। और इंस्टाग्राम का मैं इसलिए आपको फॉलो करने को बोल रही हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, वहाँ रिप्लाई ज़रूर मिलता है, एक दिन दो दिन लेट ही सही बट सबका मिलता है। जैसे ये भी मेरे को किसी स्टूडेंट ने कहा था टॉपिक बनाने को, तो मैंने बनाया है, तो आप सबके कहने से जो है वो टॉपिक्स आते हैं और कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस हो पाती है एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसलिए इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह फॉलो कर लें, यहाँ सब्सक्राइब कर लें, कोई भी वीडियो में कन्फ्यूजन लगा हो तो उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है और अच्छे से वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ आ रहा है, वीडियो कुछ कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो वीडियो को एक से दो बार ज़रूर देखें। वीडियो को जब एक बार नहीं समझ आए दूसरी बार देखेंगे तो एक बार हमको समझने में लगता है, दूसरी बार हमको थोड़ा डीपली उससे ज़्यादा समझ आता है, जो चीज़ हमको पिछली बार समझ आ गई वो फिर पक्का हो जाता है और जो चीज़ नहीं समझ आई फिर वो धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है। ठीक है, तो वीडियो को एक से दो बार देखेंगे तो ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।